प्रेस वार्ता में जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब परिवार बीपीएल परिवार जिनको 100 गज के प्लाट पीछे देने का बात कही गई थी, उन लोगों को प्लाट के नाम के ऊपर जगह दिखा दी गई परंतु कोई पोजेशन या उनके नाम कोई रजिस्ट्री नहीं हुई और काफी संख्या के अंदर ऐसे लोग चक्कर काट रहे थे कि हमें उस 100 गज प्लॉट की पोजीशन भी मिले, उसकी रजिस्ट्री भी मिले। बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज थे, लाभार्थी थे, जो ये चाहते हैं कि हमें 100 गज का प्लॉट मिले, उसको लेकर के एक योजना पिछले दिनों आदरणीय मनोहर लाल जी ने वो बनाई, विधानसभा के अंदर भी इसका बजट का अलग से प्रावधान किया गया और उसके निमित्त कल सोनीपत में ऐसे जो लाभार्थी हैं उन सबको प्लॉट की पोजीशन भी दी जाएगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। उस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण वहां पर मौजूद रहेंगे और मैं स्वयं सोनीपत से इस योजना के माध्यम से ऐसे हमारे जो लाभार्थी हैं उनको प्लॉटों की पोजीशन भी दी जाएगी और उनको रजिस्ट्री भी वहीं पर मौके पर ही करा करके उनको सुपुर्द किया जाएगा। और इसके बाद ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 20,000 लाभार्थी हैं जिनको कल प्लॉट और पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू तो किया परंतु उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। वो घूमते रहे, ना उनके पास कोई कागज था, ना उनके पास कोई रजिस्ट्री थी। वो घूमते रहते थे कि हमें कोई पोजीशन मिल जाए, परंतु जब उनके पास कोई कागज नहीं था, खाली नामात्र के लिए जगह दिखा दी और उसके लिए वो चक्कर काटते रहे। ऐसे सब उन गरीब लोगों को जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उन सबको ये 20,000 इस प्रकार की संख्या थी, लोग थे, उनको ये पोजीशन देने का काम किया जाएगा। और कांग्रेस जो ये महात्मा गांधी बस्ती योजना, ग्रामीण बस्ती योजना का ये ढिंढोरा पीटते रहे और ये उनके हालात के ऊपर कांग्रेस ने गांधी जी के नाम के ऊपर इस योजना को शुरू किया परंतु उसको अमली जामा नहीं बनाया, खाली नाम दे दिया, उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। हमने ये निर्णय किया है इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी, जितने ये लाभार्थी थे उन सबको प्लॉट का कब्जा भी दिया जाएगा, उनको रजिस्ट्री भी बना करके दी जाएगी
और उसके बावजूद ऐसे अगर जो और लाभार्थी हैं जो शेष बचेंगे उनकी संख्या ये लगभग 20,000 है और 7,775 ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनको कल ही ये पोजीशन भी देंगे, कब्जा भी देंगे और उनकी रजिस्ट्री भी कराएंगे, 20,000 लोगों के जो हमने चिन्हित किया है, जहां उनको प्लॉट नहीं मिल रहा है या जमीन उपलब्ध नहीं है, शीघ्र ही जल्दी ही अगले चरण के अंदर हम उसकी सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं, लगभग वो फाइनल टच के अंदर है। उनके खाते में भी 1-1 लाख रुपया वो प्लॉट खरीदने के लिए वो प्लॉट खरीद सके, वो पहुंचाने का काम भी जल्दी ही हम करेंगे। ऐसे ये लगभग जो संख्या है कि हमारी सरकार की सोच है, और ये सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सोच महात्मा ज्योतिबा फूले जी की, उनके सपनों को साकार करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार, उनके जीवन को सरल और सुगम करने के लिए लगातार उसमें सुधारीकरण करते हुए उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।